हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैंने आपके कमेंट पर बनाया है। आपके दोस्तों काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि हमें एलपीजी लीकेज प्रोटेक्शन सिस्टम में मोबाइल का कनेक्शन करना सिखाइए, जिसमें कि हमने की नंबर वन का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिवाइस दिखा रहा हूँ। ये हमने दोस्तों इसमें सैमसंग 2152 का उपयोग किया था। दोस्तों आप इसमें दो अंदर से बाहर देख रहे होंगे मोबाइल के आ रहे हैं, उनको हमने रिले के साथ कनेक्शन किया था और दो वायर का हमने दोस्तों इसका बैटरी के साथ कनेक्शन किया था। तो दोस्तों इसी सब को समझाने के लिए मैंने एक पुराना सैमसंग का मोबाइल लिया है, जिसमें मैं आपको पूरी वायरिंग बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसको रिले के साथ कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी बैटरी की बात करते हैं। तो दोस्तों बैटरी के लिए दो तार अकेले लगाए गए हैं और इनको दोस्तों आपको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इसको लगा देना है, तो मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। तो इसके कनेक्शन दोस्तों काफ़ी सिंपल हैं। अब बात रही दोस्तों कि हमको इसको की नंबर वन में कनेक्शन किस तरह से करने हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर से तीसरी नंबर वाली बटन की नंबर वन है, जिसके कनेक्शन हमको इस रिले पर करने हैं। दोस्तों याद रखें, आपका जो मोबाइल रहेगा उसको यदि हम वन वाली बटन को प्रेस करें तो कॉल जाना चाहिए। तो दोस्तों इस मोबाइल में ऐसा ही फंक्शन होता है, यदि हम वन वाली बटन को प्रेस करते हैं तो कॉल ऑटोमेटिक लग जाती है। तो सबसे पहले अभी हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये दो वायर हैं, यदि ये आपस में टच होंगे तो कॉल जाएगी। तो सिंपली दोस्तों हमको इसको रिले पर लगा देना है और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ दोस्तों वायर को। तो ये दोस्तों मैंने इनको ओपन कर लिया है। अब मैं इसके आपको कनेक्शन बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रिले है, तो हमको इसकी कॉमन वाली पिन पे लगाना है एक वायर, ठीक है। दोस्तों इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो आप इसको कैसा भी लगा सकते हैं। और ऊपर दोस्तों देख सकते हैं कि हमको इसको नॉर्मली ओपन पिन के साथ लगाना है, कुछ इस तरह से। दोस्तों सिंपली इसका एक कनेक्शन है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।